हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि कुछ जो वैकेंसीज आई हुई हैं दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की साइड से, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे और कितनी पोस्ट्स हैं उसके बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उनका सिलेबस और पूरा क्या है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो जो ये पोस्ट है ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली है उसके द्वारा रिलीज किया गया है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसको क्या बोलते हैं, DSSB, DSSB दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो इसका जो ये लिंक है, ये वेबसाइट का लिंक है, ये इसमें दिया गया है, तो इसको हम अपने लेक्चर में अटैच कर देंगे, आप इसके थ्रू प्रोसीड कर पाएंगे फर्दर अगर आपको अप्लाई करना है। तो जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है वो क्या है, ये क्या है, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो ये किसके लिए, PGT के लिए है, किसके लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। तो जो इनका है ओपनिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन, क्या है जो इनका मतलब अप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग डेट कब है, मतलब कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, ये है जो एग्ज़ाम है वो 9 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा, 9 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा अप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। और जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का, मीन्स लास्ट डेट क्या है, 7 फरवरी 2024 टिल 11 PM, तो ये लास्ट डेट है। तो ये जो वैकेंसी है वो पीजीटी टीचर के लिए है और दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा ये सिलेक्शन बोर्ड जो है वो करा रहा है, DSCB इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, DSSB। और अब इसके बाद देख लेते हैं, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो क्या है ये पोस्ट जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है, अगेंस्ट वैकेंसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडर मेंशन डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली लोकल बॉडीज। तो जो ये वैकेंसीज दी हुई हैं ये पूरा इसके बारे में दिया हुआ है, डिफरेंट फील्ड्स में वैकेंसीज दी गई हैं, किसमें किसमें, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में वैकेंसीज दी गई हैं, जैसे है PGT में हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री, और ये PGT बायोलॉजी मेल, PGT बायोलॉजी फीमेल, और इनका जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ये टोटल जो सीट्स हैं वो 18 है मेल के लिए, फीमेल के लिए 9 है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में। फिर PGT बायोलॉजी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, इसमें 2 सीट्स हैं। ऐसे ऐसे सारे डिपार्टमेंट में रहेंगे, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री और अलग अलग सब्जेक्ट में, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, होम साइंस है। तो सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं दिल्ली सबॉर्डिनेट सिलेक्शन सर्विसेज के द्वारा। टोटल जो वैकेंसीज है 126 हैं, किसमें जो अनरिजर्व वैकेंसीज हैं 126 हैं, और जो OBC की हैं वो 54 हैं, और जो SC में है 38 है, जो ST में है 41 है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आई हुई हैं। अब इसके बारे में हम देखते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और डिटेल में। तो एक इंपॉर्टेंट नोट है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओनली ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट होगा, ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं होगा। और ये इनकी वेबसाइट है dscbonline.nic.in, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन रिसीव बाय द पोस्ट और हैंड ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद क्या है इनका जो पूरा डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या है, डिपार्टमेंट क्राइटेरिया वगैरह हम देख लेते हैं। तो जो इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने इसमें मांग रखा है वो क्या है, मास्टर डिग्री, इट्स इक्विवेलेंट ओरिजिनल डिग्री इन द केस ऑफ PGT हिंदी इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो जो पहला इनका क्राइटेरिया है वो क्या है, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इन एजुकेशन लाइक हिंदी, अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे अगर आप बायोलॉजी के लिए करते हैं तो आपके लिए बायोलॉजी होना चाहिए। फिर सेकेंड है डिग्री इन एजुकेशन, मीन्स आपके पास डिग्री इन एजुकेशन लाइक BEd की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, अगर BEd की डिग्री नहीं है तब नोट क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव सीरियल नंबर 2 अबव रिलैक्सेबल इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग ऑब्टेंड PhD डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास मास्टर्स और BEd डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है और BEd नहीं है, आपके पास PhD डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने इसमें मेंशन किया है कि हैविंग ऑब्टेंड PhD डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। और दूसरा जो और क्राइटेरिया रिलैक्सेशन है वो क्या है कि हैविंग फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी डिग्री, अगर आपके पास फर्स्ट डिवीजन है हायर सेकेंडरी में और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विथ मैंडेटरी कंडीशन दैट द कैंडिडेट विल एक्वायर द BEd क्वालिफिकेशन विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स।
तो इन्होंने एक क्राइटेरिया और भी रखा है कि अगर आपका जो फर्स्ट ग्रेड डिवीजन है, हायर सेकेंडरी में फर्स्ट डिवीजन है और आपके पास पीजीटी डिग्री है, अगर बीएड नहीं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको विदिन 3 ईयर्स में बीएड को कंप्लीट करना होगा। तो जो क्राइटेरिया है आपको समझ में आया होगा, पहला अगर आपके पास एमएससी और बीएड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एमएससी है लाइक मास्टर्स डिग्री है और पीएचडी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी में है और आपके पास एमएससी डिग्री है, बीएड नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 साल के अंदर ज्वाइनिंग विद इन ज्वाइनिंग डेट से आपको 3 साल के अंदर ही बीएड को कंप्लीट करना होगा। तो ये था इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जो एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है वो क्या मांग रखा है, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन कॉलेज और सेकेंडरी स्कूल्स और हायर स्कूल्स। तो क्या है, 3 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा है और जो पे स्केल है वो 47,000 से लेकर के 1,50,000 तक पे लेवल 8 दिया गया है, और जो ग्रुप है ये बी कैटेगरी में है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट जो है वो बिलो 36 ईयर, मीन्स 36 से कम होना चाहिए, और कुछ इनकी रिलैक्सेशन जो भी होगा वो कैटेगरी वाइज होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। और इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल भी और भी डिपार्टमेंट्स में कुछ कुछ पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो आप उसको देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे भी पोस्ट आई हुई है। तो क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन हिंदी फीमेल के लिए है, ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन फिजिक्स में है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में सभी में आया हुआ है, तो हम एक एक को नहीं, काफ़ी टाइम है, तो ये पीडीएफ जो है इंफॉर्मेशन ब्रोशर हम लिंक में अटैच कर देंगे, आप इसको गो थ्रू कर लेंगे और आप जिसके लिए एलिजिबल हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल ये जो पेजेस हैं 67 पेज हैं, तो आप देख सकते हैं कि जिससे भी आपका क्राइटेरिया मैच करता है और जिस भी ब्रांच में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी टीचर फॉर केमिस्ट्री, पीजीटी टीचर फॉर फीमेल केमिस्ट्री, मेल केमिस्ट मेल मेल के लिए है, सबका क्राइटेरिया सेम ही है कि आपके पास अगर एमएससी है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फॉर बायोलॉजी मेल फीमेल पीजीटी बायोलॉजी, तो इन्होंने क्या रखा है, पीजीटी फॉर मेल पीजीटी फॉर फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फॉर बायोलॉजी, इनका जो है ये इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री इन एजुकेशन और हैविंग पीएचडी। तो इसमें भी अगर बायोलॉजी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एमएससी डिग्री है और पीएचडी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास बीएड है और मास्टर्स है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी में है और एमएससी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 साल के अंदर आपको बीएड कंप्लीट करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के बाद। और एक्सपीरियंस जो है 3 साल का उन्होंने मांग रखा है एक्सपीरियंस, सैलरी वही है 47,000 से लेकर के 1.5 लाख तक सैलरी होगी, पे लेवल 8 है, ग्रुप बी पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड पोस्ट है, और जो आपका एज होना चाहिए 36 से कम होना चाहिए, और जो भी आपको अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में तब आपको कुछ रिलैक्सेशन एज का मिलेगा। फिर है ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फॉर बायोलॉजी फीमेल के लिए है, जो टोटल पोस्ट है वो 9 है, अनरिजर्व में 5, ओबीसी में 2, एससी में 1, एसटी में 0, ईडब्ल्यूएस में 1, टोटल 9 पोस्ट हैं, तो आप इसको देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फिर फर्दर जो पोस्ट है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फॉर बायोलॉजी सेकेंड, फिर इसमें भी कितनी, इसमें 2 सीट हैं, एक अनरिजर्व और एक ओबीसी, इसमें भी वही क्राइटेरिया सेम है। और फिर नेक्स्ट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फॉर इकोनॉमिक्स, ऐसे ऐसे सारे डिपार्टमेंट में पूरी पोस्ट आई हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में, तो हम एक एक को नहीं गो थ्रू कर पाएंगे, तो हम इसका जो पीडीएफ ब्राउचर है वो उसको अपने लिंक में अटैच कर देंगे, आप इसको फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं जो भी आपका रिलेटेड ब्रांच है। तो आई होप जो ये इन्फॉर्मेशन था आपको काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज भी हैं। तो फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के होने चाहिए, एज क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी इन्होंने मेंशन किया है, और आपका जो एज वगैरह है वो एक लिमिट में है, मतलब 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप, और फिर उनका जो अप्लाई करने के लिए क्या है ये इनका, ये आपको इस पे जो पोर्टल है इनका dscb.nic.in पे आपको इस पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, उसके बाद फर्दर आप लॉगिन करके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी है, लास्ट डेट 7 फरवरी है, तो उसके पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप बनवा लीजिए, और ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन इसका है, ऑफलाइन नहीं होगा, और जो चार्जेस हैं वो 100 रुपीज़ ओनली हैं। कितना चार्ज है एप्लीकेशन का, 100 रुपीज़ ओनली है। फिर एग्जामिनेशन सेक्शन
जो थोड़ा हम देख लेते हैं इसके बारे में, टीयर वन के बारे में, टेक्निकल और टीचिंग के लिए है, पीजीटी के लिए। तो क्या होगा, टेक्निकल टीचिंग जैसे आईटी के लिए है तो इसमें 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, सेम सभी ब्रांच के लिए, चाहे वो बायोलॉजी हो, आईटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। टोटल क्वेश्चन 300 होंगे, टोटल मार्क्स भी 300 होंगे। टोटल मार्क्स जो है वो एनए मीन्स ग्रैंड टोटल 300 का होगा। एमसीक्यू होगा, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज होगा, मीन्स आपका रिलेटेड सब्जेक्ट होगा। अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी से पूछा जाएगा, हिंदी है हिंदी से, इंग्लिश है इंग्लिश से, और जनरल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग सबके लिए कॉमन होगा। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी उसमें पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स, 20 मार्क्स ईच, तो ये 20 मार्क्स ईच होंगे, टोटल 100 मार्क्स के होंगे, ऐसे ऐसे दिया हुआ है। फिर पोस्ट प्रेफरेंसेस, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसमें मेंशन करना होगा और अलग से अप्लाई करना होगा। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज, वो होगा। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा। फिर आपको, हाँ ये इसमें दिया होगा कि 40% मार्क्स आपको लाना होगा, लाइक ईडब्ल्यू एस के लिए 40% है क्वालिटेटिव सिलेक्शन, और उसके बाद ओबीसी के लिए 35% है, एससी के लिए 30% दिया गया है। और फिर उसके बाद आपका जो भी सेक्शन होगा उसमें आपके मेरिट बनेगी, अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको फर्दर सिलेक्शन के लिए लाइक बुलाया जाएगा, ऑनलाइन कॉलिंग ऑफ ई डीशर और देयर एलिजिबिलिटी पोस्ट फॉर रिक्रूटमेंट। और इसमें और डिटेल क्या है, वन डिपार्टमेंट इज एलोकेटेड, नो चेंज ऑफ डिपार्टमेंट विल बी आइदर इंटेंड और अलाउड बाय बोर्ड। अगर आपको एक डिपार्टमेंट एलोकेट हो जाता है तो फर्दर आप चेंज नहीं कर सकते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, ये इसमें मेंशन किया गया है। और रिजर्वेशन बेनिफिट, जो भी वही एस सी एस टी ओ बी सी क्राइटेरिया है, वो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आई होप जो ये पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन, हाँ इन्होंने जो है ये 5 ईयर्स फॉर एस सी, ओ बी सी के लिए है 3 ईयर्स, रिजर्व के लिए 10 ईयर्स का, ये सब जो भी दिया हुआ है, पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए है, ये सब फर्दर इन्होंने डिटेल दिया हुआ है। तो इसको हम अटैच कर देंगे, आप इसको फर्दर गो थ्रू करके तभी अप्लाई कीजिएगा, ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो फॉर्म में, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो जो ये इन्फॉर्मेशन रहा, कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और ये जो लिंक है उसको भी हम अटैच कर देंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फर्दर इसके लिए, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस आपको चाहिए तो आप करीमा साइंस एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।